नमस्ते टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल ए और एन के बारे में है। ए और एन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में टॉपिक है या वो आर्टिकल है। उन्हें कोई इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये, लेकिन अब इनको कन्फ्यूजन होता है समझ में, क्योंकि आर्टिकल जो वॉवेल्स के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं कि वॉवेल है तो एन लगा दो और कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट वाला वर्ड होता है और जो लगता है उसके आगे वो एन लग जाता है, आर्टिकल एन लगता है। तो सारा खेल इसमें हिंदी का होता है, अगर मेरी माने तो इसमें सारा खेल हिंदी का आता है, क्योंकि जो वर्ड हिंदी में लिखे, जब हम उसका उच्चारण इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण हिंदी में लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ए ये लिखेंगे या एन यूज़ होगा या ए यूज़ होगा। तो सारा खेल इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदी के उच्चारण से, हिंदी में उच्चारण पता है वर्ड का, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो समझ जाएगा कि हाँ ए लगेगा या एन लगेगा, क्योंकि वर्ड जो होता है वॉवेल होता है पहला वर्ड और हो जाता है उसमें लग जाता है ए। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें समझ ली कि जो आर्टिकल ये कौन, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26। अब इसमें वॉवेल बोलता है ए ई आई ओ यू। अब ए का वर्ड क्या हो, मतलब क्या साउंड करता है, ए या आ के लिए आता है। जैसे ई है तो ई या ई बड़ी छोटी के लिए आ जाता है। आई भी इसी तरह से ई या ए वर्ड के लिए भी आता है, आ वर्ड के लिए भी आता है, कई जगह पर आइसक्रीम बोलते हैं जैसे। तो अब ओ है, ये ओ के लिए आता है या ओ के लिए आता है, इस तरह से ये हो गया। इसमें ये यू है, अब ये इस तरह से लिखे जाए सारा खेल, यहाँ इस इन वर्ड्स में ज़्यादा होता है, ए और ई वाले वर्ड्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अब यू का खेल ये वॉवेल तो यू है, यू क्या है वॉवेल है, साउंड क्या है इसकी यू, यहीं पे सारा खेल शुरू हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब ये लिखा है इपॉक, तो इपॉक में ई है, सही है, इसे हम बोले अगर हिंदी में लिखे इपॉक लिख देंगे तो साउंड क्या है हिंदी की ई, और वॉवेल क्या है ई, क्लियर है, एन यूज होगा। यूलॉजी, अब इसमें क्या है, इस वर्ड को जिसे मैंने कहा उच्चारण जो समझ लेगा हिंदी का, इसे यूलॉजी, ई तो इसमें वॉवेल लगा हुआ है, ई क्या है वॉवेल, तो उसके अकॉर्डिंग एन लग जाएगा, नहीं वॉवेल के अकॉर्डिंग एन लगता है कि वॉवेल है तो एन लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ, इसकी खेल हिंदी में शुरू करूँ तो ये यूलॉजी लिखा जाता है। अब क्या साउंड, अब ये क्या वर्ड क्या, यो, ये ए नहीं है, ये यू जो होता है वो ए साउंड करेगा या आ साउंड करेगा तो हमारा वॉवेल होगा। अगर ये यू की साउंड करता है तो वो कॉन्सोनेंट माना जाएगा। अगर यू की साउंड करता है कोई वर्ड उच्चारण, जैसे मैंने यूलॉजी लिख दिया, तो अब ये यू है यहाँ पर तो क्या लगेगा, ए लगेगा। सेकंड वर्ड भी हमारा यू है यहाँ पर, तो यू है, इसे हम अगर हम इसे को बोलेंगे अगली, अगली तो अ का साउंड है, अ का साउंड है, हिंदी में इसे अगली लिख देंगे हम तो एन लगेगा इसके आगे, ठीक है, यहाँ भी ये ठीक है। अब ये फिर यू आ गया यहाँ पर, यहाँ यू था तो हमने एन लगाया, यहाँ यू है तो हम यहाँ पर ए लगाया, ए लगाएंगे वो कैसे कि अगर हम इसकी हिंदी में लिखे अब इसको हम यूनिफॉर्म, तो अब यहाँ पर ये य बन गया, और ये अगर यू की साउंड यू निकलती है तो ए यूज होगा, और यू की साउंड अगर ए आ निकलती है तो क्या होगा, फिर हमारा वॉवेल चला जाएगा, फिर हमारा वॉवेल का यूज होगा। साउंड किसकी निकल गई, यू की, तो यू की साउंड निकल गई है तो हमारा होगा ए यूज। और अगर इसी वर्ड को हम अनिफॉर्म बोल दें, अगर ये वर्ड अनिफॉर्म बोला जाता तो एन हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी यू का ही है, ये यूटेंसिल लिखा हुआ है तो हमारी साउंड क्या निकली, यू, और यू को हमें वॉवेल साउंड में नहीं डालते। अगर अटेंसिल कर देते हम इसको, ए आता अगर पहले तो होता हमारा वॉवेल एन पर, लेकिन साउंड किसकी निकल रही है, यूटेंसिल, तो ये यू है ना कि अटेंसिल अ, तो हमारा क्या बनेगा इसमें ए। ऑरेटर, ये तो ओ से ओ है, एन ऑरेटर हो ही गया क्योंकि इसमें साउंड निकल रही है ओ की। हे, अब ये है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये इसे हेयर नहीं बोलते हम, इसे हम एयर इस तरह से हेयरस बोलते हैं, हेयरस एक उत्तराधिकारी होती है, तो एन लगता है इसके आगे,
इसको एरेस बोलते हैं, जैसे ए वाला होता है ना, एरेस, जैसे हेरेस नहीं बोला जाता, हेयर नहीं बोलता, अगर है तो कॉन्सोनेंट में खुद ही चला जाता। फिर यूटोपिया, यू है कहने को, वॉवल है ए ई आई ओ यू, वॉवल है, एन यू जो है नहीं, क्योंकि इसकी साउंड क्या निकलेगी, यूटोपिया। अगर यू है तो फिर क्या होगा, ए हो जाएगा ये। ऐसी नेक्स्ट है ई डब्ल्यू ई, इसको बोलते हैं यू, तो साउंड किसकी निकल रही है, यू, तो यू आ रहा है इसमें भी, तो क्या करेंगे हम, ए। अब यहाँ एक्सक्यूज है, तो एक्सक्यूज को जब एक्स इसको हम लिखेंगे तो ये तो एक्सक्यूज आ ही गया अपने आप में, एक वॉवल का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ एन आ जाएगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में भी एक्सपर्ट लिखेंगे हम, एक्सपर्ट, तो ए से एडी आ रहा है, तो ये भी एन एक्सपर्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात करें, फिर ई का वर्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो उच्चारण जानता है वो इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं। क्या आ गया वर्ड, यू, और यू है तो ए यूज होगा, पहले यहाँ पर वॉवल ई हो, क्यों ना हो। ऐसे ही यू एस एच ई आर, इस वर्ड को यू है यहाँ पर वॉवल है, पर इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, अशर, तो अशर जब पढ़ेंगे तो अ वर्ड आ गया, ये वेट करता होता है, तो फिर ये हो जाएगा एन। ऐसे अर्न, इसको हम अर्न बोलेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ ए आ गया, ये भी एन हो जाएगा। इस तरह से यू और ए का खेल ज्यादा होता है। इसी में सारा खेल जो होता है यू और ए का, जब यू को या ई वगैरह को हम ए आ के सामने पढ़ते हैं, तब जाकर ही हमें मीनिंग पता चलता है कि ए आ अगर निकल रहा है तो वो क्या है, वो वॉवल हो जाएगा, मतलब एन लगेगा, अदरवाइज यू या कोई और वर्ड बनता है तो हमारा जाएगा ए। अब यूरोपियन लिखते हैं, इसमें वॉवल है ई, जैसे यूरोपियन तो हम बोलते नहीं हैं, लेकिन जब हम हिंदी में इसको पढ़ें तो यूरोपियन होता है ये वर्ड, और वर्ड अगर यू है तो क्या वॉवल होगा, क्या होगा, आर्टिकल ए। अब नेक्स्ट, ये तो यूरोप ही है, यूरोप लिखा हुआ है, ए ही यूज होगा। अब एच ओ एन ई एस टी, इसको वर्ड को हम उच्चारण अगर इसका जानते तो इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इस वर्ड को हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और जब ओ आ रहा है तो वर्ड का आर्टिकल क्या यूज होगा, एन यूज होगा। ऐसी से हम आवर पढ़ते हैं, मुझे तो अगर आप यही वर्ड्स पढ़ लें तो इन्हीं वर्ड्स का कंफ्यूजन ज्यादातर रहता है, जो हमें पता चल जाता है इन्हीं से हमारा शौक हो जाता है ए और एन को, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी कुछ रूल्स हैं, ए और दी के लिए आते हैं, कहाँ ए लगता है और कहाँ दी लगता है, जैसे बुक है कई जगह बुक की जगह ए लगता है पहले, और कई जगह हम दा भी लगाना पड़ता है, तो वो कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये एम एल ए है, एम एल ए कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो ए ई आई ओ यू में से कुछ है नहीं, लेकिन हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन। क्यों, क्योंकि खेल हिंदी का है, अगर हम हिंदी में इसे लिखे तो इसे एम एल ए लिखेंगे, और ये क्या आ गया हमारा ए, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट है एस डी एम, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, ए आई ओ में से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे एस डी, एस को इस तरह से लिखा जाएगा, एस डी एम लिख देंगे, एस में वॉवल क्या आ रहा है, ए, ए साउंड आ रही है, ए साउंड के लिए क्या यूज होता है, एन। सिंपल, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। एफ आई आर, एफ क्या है, ये वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं है, वॉवल के साथ ही एन लगता है, लेकिन हम इसके साथ एन लगाएंगे बिकॉज इसका हिंदी में जो उच्चारण बनता है वो एफ आई आर, इस वर्ड से तो हमें रिलेटेड हमारा एफ, एफ आ रहा है, और ए क्या है, एक वॉवल है, हमारा एन लग गया। सेम एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, लेकिन एस डी ओ लिखेंगे हम, तो इस तरह से लिखेंगे एस डी ओ, और ये क्या आ रहा है, ए, ए क्या हो गया हमारा एन, तो फिर हमारा एन यूज होगा। एल एल बी में भी सेम ही है, एल एल बी, एल एल बी
वर्ड पहले आ रहा है तो एन होगा। अगर इसमें अगर हमसे अब हिंदी के इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोल दे ले भी बोल दे हम इसको तो ले अगर ले भी बोलेंगे हम इसको ले भी बोला जाएगा तो फिर ए ही यूज होगा, फिर एन यूज नहीं होगा। लेकिन वर्ड क्या है एल एल भी बोला जाता है। एम पी सेम थिंग, एम पी एन आएगा क्योंकि एम पी ये ए आ रहा है, एम साउंड आ रहा है और ए की साउंड क्या है एन आर्टिकल के लिए आती है। अब यहाँ पर जो आता है यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी हम इस तरह से लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि यू है तो यू के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, यू के लिए करेंगे ए। सेम यूनिवर्सल ए क्योंकि यू आ रहा है, अनिवर्सल नहीं बोलेंगे उसको, अनिवर्सल या अनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं यूनिवर्सिटी बोलते हैं। सेम यूनिफॉर्म ये तो मुझे लग रहा पहले भी आ गया यू। अब यूएसए सेम वही वर्ड यू आ रहा है, अगर जो इसको यू भले ही यू बॉबी है लेकिन यूज क्या होगा एन, ये तो यूएसए हो गया सॉरी ए, यूएसए ए आ गया। अब यू है इतना ही छोटा सा रूल है, यही जो वर्ड्स हैं यही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा इतने वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं। पहचान तो सीधी सी आपको बता ही गई है कि जो यू है ये यू है ये ए आ की साउंड करेगा तो एन यूज करेंगे, अगर हिंदी में ए आ लिखेगा और यही यू अगर यू की साउंड करेगा यू आएगा, मतलब पहले किस जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह आ रहा था ये यूनिफॉर्म वगैरह आ रहा था तो हमारे यहाँ पर ए यूज होगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला ये है, समझ में आए पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।